मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस हमारे लिए क्या है, हमें वो क्या बताना चाह रहा है या क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतिये नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। तो चलिए देखते हैं एंजल्स गाइडेंस हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हमको क्या मैसेज दे रहे हैं। जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, जो आपसे नहीं रेजोनेट हो उसे इग्नोर करिए क्योंकि वो और किसी के लिए हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो आपको रेजोनेट कर रही है, आपको लग रहा है आपके लिए है, उसी को लीजिए, अदरवाइज इग्नोर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। जो भी परेशानी अभी आप तक आपको हो रही थी, हेल्थ इशू से लेके फाइनेंशियल इशू वगैरह हो या जो भी हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है गाइज, आपके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है पहले, और हेल्थ वाइज भी आप बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं। और जल्दी अच्छे कैसे हो, और जल्दी आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या कर सकते हैं और जल्दी अच्छे होने के लिए। समय कम, काम ज्यादा, अपने इंट्यूशन सुनिए, हो सकता है किसी काम को लेके कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, करें नहीं करें, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, दिमाग यूज यहाँ नहीं करना है, अपने दिल की बात, अपने अंदर की बात सुननी है और उस काम को करना है। साइन देखिए, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको ये साइन मिल रहा है तो उस साइन को देखिए, समझिए, पहचानिए कि जो भी काम है, कहीं जाना हो सकता है कहीं शिफ्ट करना हो या कोई काम शुरू करना हो, उन सब के लिए जनरल रीडिंग है, वापस बोल रही हूँ, उस हिसाब से ही ये लीजिएगा। जो भी काम करें शांति के साथ करें, सोच समझ के आगे बढ़े। जो भी आपको काम करने का है या किसी से आपको बात करनी है काफी टाइम से, आपके और उनके किसी के रिलेशन, अगर फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका लवर हो सकते हैं, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, तो हो सकता है आपके रिलेशन उनसे काफी टाइम से जो खराब चल रहे थे। शांति से बैठिए, सोचिए, समझिए, बोलिए उसके बाद, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए शांति से बैठ के, तू मैं करके गए, कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में आपकी खुशियों की चाबी दी गई है, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप थोड़ा मेडिटेशन करिए गाइस। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, दिमाग जैसे काम ही नहीं उनका कर रहा, तो मेडिटेट करिए, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेट करिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है तो बिल्कुल आपके काम बनेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर की पावर, अपने इंट्यूशन को सुनना होगा। दूसरी चीज ये आपसे कहा जा रहा है कि जो भी किसी के प्रति आपके दिल दिमाग में जो भी निगेटिविटी है उसको निकालिए, उसको जाने दीजिए, उसको रिलीज कीजिए, क्योंकि निगेटिविटी अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी की जगह कहाँ होगी, कहाँ पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, नहीं आएगी ना। तो आप निगेटिविटी को पहले रिलीज कीजिए, बुरी बातों को या किसी की ऐसी बातों को लेके दिमाग में बैठे हुए हैं तो उससे क्या हो रहा है, आप अपसेट हो रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप एंजाइटी में हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, वही चीजें सोच सोच के और नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है एंजल्स की साइड से कि फॉरगिव करिए, फॉरगिवनेस करिए, छोड़िए उसको, माफ करिए और आगे बढ़िए। ट्रस्ट, आपको विश्वास रखना होगा गाइज, अगर ईश्वर आपको ये अफर्मेशन लिख रहे हो सकता है या जो भी कर रहे हैं आप, तो आपको बिलीव उस चीज पे करना होगा कि जो ये काम कर रहे हैं वो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ विश्वास की बात है, हर जगह लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है, यहाँ बिलीव की बात है, यहाँ आपके विश्वास की बात हो रही है। तो अगर ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो अटूट रखिए उसको, उस पर डाउट बिल्कुल मत लेके आइए, तिनका भर भी गाइस डाउट मत लेके आइए, अटूट विश्वास रखिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, यानी हो जाएगा। काफी टाइम से ऐसा लग रहा था, काफी लोग का आ रहा है, बार बार आ रहा है, बीमार चल रहे थे, किसी को नॉर्मली मतलब जैसे हाथ पैरों में दर्द या हेडेक हो रहा हो या किसी को और भी क्रॉनिक बीमारियां, जिनको उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है या होना शुरू हो गया है आप लोगों का, तो बिलीव रखिए इस चीज पे, एंजल्स आपके साथ है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, समय एंजल्स जो साइन दे रहे हैं उस साइन पे ध्यान रखिए,
अपने अंदर की निगेटिविटी रिलीज करिए, लोगों को माफ करना सीखिए, आप खुश रह सकते हैं। ईश्वर पे आपको विश्वास रखना है, अटूट विश्वास, डाउटफुल नहीं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट होगी। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी गाइस करिए, ताकि ना इससे दूसरों को भी अगर हो सकता है वो रीडिंग ये देख ले तो उनको हेल्प हो सकती है। और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।